आपने अभी तक वेब डेवलपमेंट में HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट लैंग्वेजेस सीखी हैं। साथ में आपने जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज यूज़ करना और APIs यूज़ करना भी सीखा है। यानी कि आपने वेब डेवलपमेंट में बहुत कुछ सीखा है। आपने जो भी सीखा है उसको मैं इस एप्लीकेशन के थ्रू समराइज करने की कोशिश करता हूँ। बाय द वे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, जो इसे न्यूट्रिशन विजार्ड कहते हैं, जो हमारी रेसिपी में क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या न्यूट्रिएंट्स हैं उनको उनको बताती है। तो जैसे ये एक वेबसाइट है जिसमें फ्रेंच ऑमलेट की रेसिपी है। मैं इस रेसिपी को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और इसमें डालूँ, और मैं इस रेसिपी का नाम दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हमें एनालाइज करके बताएगा कि इसमें कितना फैट, कितना कार्ब्स और कितना प्रोटीन्स है। तो आप देखेंगे, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 157 कैलोरीज हैं, और उसमें फैट जो है वो 110 कैलोरीज है, 44 कैलोरीज प्रोटीन है, और बस 3 कार्ब्स है। तो अगर आपने अभी तक जो सीखा है उसको मैं इस एप्लीकेशन के थ्रू बताना चाहूँ, तो आपने देखा कि हर एप्लीकेशन में कंटेंट होता है, और जैसे ये न्यूट्रिशन विजार्ड फ्री है, और ये 157 कैलोरी सर्विंग, ये जो इनपुट बॉक्सेस आपने देखे हैं, ये कंटेंट जो है हम HTML के थ्रू लिखते हैं। और सिमिलरली हर एप्लीकेशन में एक डिज़ाइन कंपोनेंट होता है, जैसे इसका बैकग्राउंड, फोन्स की कलर, एक बैकग्राउंड इमेज। तो ये जो स्टाइल कंपोनेंट होता है, डिज़ाइन कंपोनेंट होता है, वो हम CSS के थ्रू लिखते हैं। और जो डायनेमिक यूज़र इंटरेक्शन होता है, जैसे हमने जब एनालाइज बटन दबाया तो सडनली यहाँ पे एक एक बॉक्स आ गया जिसमें न्यूट्रिशन फैक्ट्स हैं। तो ये जो यूज़र इंटरेक्शन होता है, और जो डॉम, यानी कि जो इस ब्राउज़र में जो हम जो डॉम आपने पढ़ा है, डॉम को जो मैनिपुलेट करते हैं, वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है। और अगर हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए किसी सर्विस के थ्रू, जैसे यहाँ पे ये जो है वो एक न्यूट्रिशन API का यूज़ कर रहा है, जो हर खाने में, हर जैसे बटर में बताता है, बटर 1 टीस्पून बटर में कितना न्यूट्रिएंट्स हैं, तो उस सर्विस का यूज़ करने के लिए हम API का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपने अभी तक पढ़ा है, बट यहाँ पे तो बस हमने एक बटन यूज़ किया। बट जब आप कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बनाते हैं जहाँ पे बहुत सारे बटन्स हैं, जैसे फेसबुक, जैसे फेसबुक में आप कभी लाइक बटन यूज़ करते हैं, कभी यूज़ पोस्ट करते हैं, कभी एक ग्रुप्स बटन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे जैसे आपकी वेबसाइट्स का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती जाती है, तो हम तो जावास्क्रिप्ट में ये लिखना कि जब ये क्लिक हो तो ऐसा होना चाहिए, जब ये क्लिक हो तो ऐसा होना चाहिए, या जब यूज़र इस पेज पे जाए तो उसको ये दिखे, ये धीरे धीरे वो लॉजिक लिखना काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते जाता है। काश ऐसा होता, हम हमें अगर यही वेबसाइट अगर यही वेबसाइट अगर हमें वेब एप्लीकेशन अगर डिज़ाइन करना होता तो काश हम इस तरह से कर पाते। ये मैंने एक स्टूडियो कोड लिखा है, यानी ये असली में कभी काम नहीं करेगा, बट अगर आप इसको देखें तो काश हमें यही एप्लीकेशन जो है बस हम इस तरह से लिख पाते। मैं फिर से ये वेब एप्लीकेशन लोड कर रहा हूँ। तो काश हम ये एप्लीकेशन जो है वो कुछ इस तरह से लिख पाते। आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे ऐसे, ये बिल्कुल HTML में लिखा है, और इनमें ऐसे HTML एलिमेंट्स का यूज़ हुआ है जो एग्जिस्ट भी नहीं करते, लेकिन मैंने इनको एक, काश ऐसा होता हम बस एप्लीकेशन लिखते और वो ऐप खुद ही बन जाता। काश हम नैव बार एलिमेंट का यूज़ करते और उसमें कंटेंट लिख देते और नैव बार खुद ही बन जाता। और काश ऐसे हम जो ये हमारा यूज़र इनपुट एरिया है उसमें हम यूज़र इनपुट एलिमेंट्स के अंदर बस रेसिपी टाइटल बॉक्स देते और इन इन एलिमेंट्स को खुद ही पता होता कि इन्हें क्या करना है। हमें अगर हम इस तरह से, जैसे सर्विंग्स, हमने एनालाइज बटन लिखा और एनालाइज बटन को खुद ही पता है कि एनालाइज बटन जब दबेगा तो उसे क्या करना है। अगर वेब डेवलपमेंट ऐसा होता तो कितना आसान होता। और
कितना हमारे दिमाग में कितना ऑर्गेनाइज होता। और इवन इफ अगर हमारी वेब एप्लीकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाए तो भी हमारे दिमाग में एप्लीकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ेगी, हमारे लिए फिर भी वो बहुत सिंपल रहेगा। तो काश ऐसा होता, और रिएक्ट यही करने की कोशिश करती है। तो रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो हमारा वेब डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है कुछ इस तरह बनाना चाहता है, नॉट एग्जैक्टली ऐसा बट कुछ इस तरह। और हम इस रिएक्ट के लेसन में या इस रिएक्ट के कोर्स में हम बिल्कुल ऐसा ही एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें आप और हम रिएक्ट से बना, ये रिएक्ट से बना हुआ वेब एप्लीकेशन नहीं है, हम इसी ऐसे ही एप्लीकेशन को रिएक्ट से बनाएंगे जिसमें हम अपने खाने के इंग्रेडिएंट्स दें और जब हम एनालाइज बटन दबाएं तो वो हमें बता दे कि हमारे खाने में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं। तो ये हमारा आगे प्रोजेक्ट होगा, और हम इसी प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन करके रिएक्ट के थ्रू, तो हम इसी इसी प्रोजेक्ट को HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं, बट हम इसी प्रोजेक्ट को रिएक्ट के थ्रू करने की कोशिश करेंगे।